गाजर के हलवे के लिए हमारे पास है खोया, दूध, चीनी, इलायची और ये बनाएंगे हम देसी घी के अंदर। पिस्ता है, बादाम है, इसके साथ गार्निश करेंगे। तो यहाँ पे हम डाल देंगे गाजर, चीनी और तकरीबन एक किलो में आधा कप आपने दूध डालना है। इसको मिक्स करके आपने इसको दम पे छोड़ देना है। तकरीबन आधे घंटे तक ये पकेगा, गाजर सॉफ्ट हो जाएगी और गल भी जाएगी, गाजर भी अपना सारा पानी छोड़ेगी, जितने जूसेस होंगे उसके निकल जाएंगे। देखेंगे तकरीबन पानी इसका खुश्क हो चुका है, 70% तो खुश्क हो गया, बाकी 30% थोड़ी मेहनत करके इसको सुखा लेते हैं। अच्छा खासा इसको कस दिया, पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया, यहाँ कर दिया हमने चूल्हा बंद। फिर फ्लेम ऑन करते हैं, थोड़ा सा मजीद भून कर इसमें शामिल करेंगे घी। बिल्कुल ये ड्राई हो चुका है, इस तरीके से आप देखें। अब आपने इसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स करना है। डालनी है इलायची और मैं इसमें डाल दूंगा थोड़ा सा इलायची का पाउडर। ये आपने इसको अच्छे तरीके से जो है भूनना है और उसके बाद इसमें डालेंगे खोया और अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, इतना कि खोए के जो लम्स हैं सारे ख़त्म हो जाएं। ये देखें जी, अभी हलवा ये अच्छे तरीके से हमारा भुन गया है। ये देखें, इसको मज़ीद थोड़ा सा और भुनेंगे और उसके बाद चूल्हा कर देंगे बंद। ये अच्छे तरीके से जो हमारा हलवा भुन चुका है और इसके अंदर जो खोया हमने डाला था वो बिल्कुल मिक्स हो गया, आपको अलग से नज़र नहीं आ रहा है, लम्स खत्म हो गए। इसको करेंगे डिश आउट। यहाँ पे हलवा हमारा तैयार हो गया है, इसको थोड़ा सा कर देंगे गार्निश, खोया चूरा करके हमने इसको यह हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं पिस्ता और बादाम।